Welcome to my class. I hope you all are very well and safe at your home. Enjoy कर रहे हैं अपने इस online classes को. तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम start करते हैं हमारा next chapter, that is chapter number 15, improvement in food resources. Biology का जो first term का part है उसका ये third chapter है. हम already दो chapter कर चुके हैं. तो third chapter आपका है improvement in food resources. बेटा क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या मेन पॉइंट है जो कि हमें इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहली बात तो हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं व्हाट इज फूड रिसोर्स. फूड रिसोर्स है क्या? अब आपको सबको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को या अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. बिकॉज फूड एक्ट एज अ फ्यूल दैट प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ रिलेटेड. ओके, ये यूँ कहेंगे लाइफ रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कैरी करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है. अब जो फूड है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए दो तरीके से अवेलेबल है, एक वेजिटेरियन फॉर्म में या एक नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में. मतलब प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फूड की कैटेगरी अलग है और एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फूड की कैटेगरी अलग है. और जिस पार्ट से या जिस जगह से हमें फूड मिल रहा है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फूड रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे प्लांट्स हमें फूड दे रहे हैं तो प्लांट हमारे लिए एक रिसोर्स का वर्क कर रहे हैं, या कोई एनिमल से हमें कुछ फूड मिल रहा है तो वो एनिमल हमारे लिए रिसोर्स की तरह, फूड रिसोर्स की तरह वर्क कर रहा है. व्हाट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड, हमें फूड से क्या मिलता है? ऑफकोर्स एनर्जी तो मिलती है, पर एनर्जी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है हमने खाना खाया एनर्जी आ गई. फूड में कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है. और वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वेरी गुड, फिर हाँ प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फूड से मिलती हैं. ये जो तीन चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी लाइफ को वाइटल रखने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इनका नाम विटामिन्स पड़ा है. वाइटल रखने के लिए ज़रूरी मतलब ये ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फूड के, अगर हम इसको प्रॉपरली इंटैक्ट नहीं करेंगे तो डिफरेंट डिफिशेंसी डिसीजेस हमें हो सकती हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली कैरी नहीं होंगी. सिमिलरली मिनरल्स के साथ भी हैं, जो मिनरल्स हैं वो हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. हमारे अंदर बॉडी में जो चीज़ें बन रही हैं जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए वगैरह बन रहे हैं, तो ये बनाने में मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर हम इसको प्रॉपरली ईट नहीं करेंगे या इसमें कोई डेफिशिएंसी रह जाएगी तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को सफ़र कर सकती है. हमारी बॉडी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सफ़र कर सकती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण हमारा जो लाइफ है वो कंटिन्यूसली फॉलो हो सके या हम उस लाइफ को अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखें. व्हाई वी नीड टू इम्प्रूव फूड रिसोर्सेज, अब जैसे आपको पता है डेली आप देख रहे हो हर रोज हमारी जो पॉपुलेशन है वो रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है और इतना बिल्कुल ब्लास्ट की तरह इंक्रीज हो रही है, एकदम सडन इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण जो हमारे फूड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो गए हैं. और इतने सारे पॉपुलेशन की डिमांड को मीट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को से लेकर हम जब फूड को प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस आए कि हम उतने पॉपुलेशन की डिमांड मीट नहीं कर सकें और उसके कारण से इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है. ज़रूरत से ज़्यादा इनका जब यूज़ हो जाता है तो ये एक तरह से वेस्ट होना शुरू हो जाती है या फिर इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती हुई चली जाती है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली हम अपनी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते. आज तो हम अपने डिमांड पूरी कर लेंगे पर फ्यूचर का क्या, ये नेचुरल रिसोर्सेस अगर ख़त्म हो गए तो हम फ्यूचर में इनसे अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. तो इस कारण से हमें आज के टाइम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी, उस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी जिसके कारण हम लिमिटेड रिसोर्सेज से
अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सकें, और इसी को ही कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ना है। हाउ कैन वी अचीव दिस इम्प्रूवमेंट? अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिफरेंट स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हमें यूज करनी पड़ेंगे। जैसे हमारे पास एक लिमिटेड लैंड रिसोर्स है, ठीक है, उसी लैंड रिसोर्स में हमें ये सब वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ कई डिफरेंट क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, या उसी लैंड में हम अपने क्रॉप के साथ साथ या प्लांट्स के साथ साथ हम एनिमल्स को भी रियर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मलैंड से ही डिपेंडेंट, फार्मलैंड पे डिपेंडेंट होते हैं और वहाँ से अपना जो इनपुट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई कंबाइंड वर्क करके मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कई तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि हम मिक्स क्रॉपिंग अपनाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करके हम अपना इस तरह के प्लांट्स डेवलप करते हैं, जिससे हम कम अमाउंट में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन करवा सकें, या फिर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं जिसमें फार्मिंग के साथ साथ हम एनिमल रियरिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हम अप्लाई करके अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी वे में हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे कि MS स्वामीनाथन है, उन्होंने क्रॉप के या यूं कहें कि क्रॉप प्रोडक्शन की फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन किया, इसको अप्लाई करवाया, जिसके कारण हमारे जो सीरियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया। और इस तरह से जब नई स्ट्रेटजी यूज करके हम कुछ नया काम करते हैं, तो ये एक रेवोल्यूशन को लीड करता है, एक रेवोल्यूशन बना देता है। तो जिस तरह से MS स्वामीनाथन ने इन स्ट्रेटजीज को यूज करके, इन प्रैक्टिसेस को यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया, तो उस टाइप के रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस तरह के बहुत सारे रेवोल्यूशन हमारे साइंटिस्ट द्वारा लीड किए गए, जिसके कारण इंडिया में हमारा मिनिमम रिसोर्स होते हुए भी हम अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन को अचीव कर पाए, ठीक है। तो कुछ रिवोल्यूशन के नाम मैं बता दी हूँ, जैसे कि पहला है ग्रेन रिवोल्यूशन, ये रिलेटेड है क्रॉप प्रोडक्शन से, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे वाइट रिवोल्यूशन, ये भी आपने सुना होगा, कोरियन थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी वाइट रिवोल्यूशन की, उन्होंने कुछ जो स्ट्रेटजीज बताई थी जिसके कारण जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था, कैसे उन्होंने वर्क किया था वो वैसा वाइट रिवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। फिर ऐसे ही हम कह सकते हैं ब्लू रिवोल्यूशन मतलब होता है, ये रिलेटेड होता है फिशेस के प्रोडक्शन से। Then, yellow revolution, ये related है oil seed के production से, जो भी oil yielding seeds होते हैं उनका production हो रहा है, ठीक है। तो जब ये enhanced production होने लग जाता है, surplus amount में जो production या yield मिलने लग जाता है कुछ techniques use करके, वो revolution कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि golden है, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये पल्सेस से रिलेटेड है, पल्सेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो कुछ ऐसे रेवोल्यूशन हैं जो इम्प्रूवमेंट के कारण देखने को मिले हैं, और जिससे इन सब फूड रिसोर्सेस में उन्नति हुई है, इनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। हर एक इंसान को खाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और उसको वो चाहिए। तो क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो वो रिसोर्स वेस्ट होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, या यूँ कहेंगे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, जो बाद में फ्यूचर में फिर किसी काम का नहीं रहता। तो इसी तरह के कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहे थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फूड रिसोर्सेज के कारण, जैसे कि एक ही लैंड को
उनको बार बार यूज करने से उसके न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो फर्दर फ्यूचर में अगर कोई आप क्रॉप लगाएं तो उस लैंड पे आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोडक्शन ऑब्टेन नहीं कर सकते, आपकी जो यील्ड होगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो लो हो जाएगा और जो डिमांड है वो एज यूजुअल टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है और आपका प्रोडक्शन अगर लो हो गया तो आप कैसे उसको पूरा करोगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। ज़्यादा सॉइल को यूज़ करने से हो सकता है वो सॉइल बैरन हो जाए, आगे कोई क्रॉप प्रोड्यूस ना हो तो डेजर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है, आप कोई क्रॉप वहाँ नहीं लगाओगे तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जिसके कारण फ्लड या ड्राफ्ट जैसी सिचुएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये सब ड्रॉबैक हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण हम फेस कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, हम इम्प्रूवमेंट की तो बात कर रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट करें कैसे, तो उस बेसिक अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड प्रोडक्शन का एक बेसिक प्रैक्टिस होती है जिसे हम एग्रीकल्चर कह रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन करना ये एग्रीकल्चर कहलाता है, जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की उनसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को ही हम अगर बेस मान के आगे चले तो हम कैसे फूड रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट आया है जिसका नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं पर कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि एडॉप्टेशन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब हम उन टेक्निक्स को यूज करेंगे जिसके कारण हम अपना मैक्सिमम एग्रीकल्चर यील्ड ऑब्टेन कर सके, यील्ड मतलब टोटल प्रोडक्शन। तो हम कैसे अपने एग्रीकल्चर से मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सके, उसमें यूज होने वाले प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को हम क्या कह रहे हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और जब हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे, इन प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये किसी भी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म ना करें। तो इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, इट इज द अडॉप्टेशन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर यील्ड विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेस। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको बिना हार्म करे जो भी प्रैक्टिसेस हम अप्लाई करेंगे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग, एक ही लैंड में हम डिफरेंट क्रॉप्स को मिक्स करके एक ही बार में उगा सकते हैं। अब ये क्रॉप जो उग रही हैं ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह की क्रॉप्स हैं, किस पैटर्न की क्रॉप्स हैं, किस सीजन की क्रॉप है, आगे हम बताएंगे आपको। तो कुछ एग्जांपल है जैसे मिक्स क्रॉपिंग हो गया, ये कुछ टेक्निक्स के नाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इंटर क्रॉपिंग हो गया, इसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम नॉर्मल एग्रीकल्चर वर्क तो कर ही रहे हैं, अपना क्रॉप का प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उस क्रॉप से रिलेटेड मान लीजिए कोई एनिमल है या कोई इस तरह का फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल है जिसका फूड हम यूज करते हैं या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज हम यूज करते हैं, तो उस एनिमल को हम उस फार्मिंग के साथ साथ रियर कर सकते हैं। तो हमें फार्मिंग से जो भी मटेरियल मिल रहा है वो हम एनिमल रियरिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों तरह से काम हो जाएगा। तो एक साथ जब दो काम हो रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें हम अपना एग्रीकल्चरल वर्क तो कर ही रहे हैं साथ में हम किसी एनिमल की रियरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम पशुपालन कहते हैं, तो वो हम रियरिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर वर्क में कुछ एरिया में फॉडर प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस फॉडर को फिर हम एनिमल रियरिंग में यूज कर सकते हैं जो न्यूट्रिशनल होगा, एनिमल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और एनिमल उसको यूज करके हमें ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करवा सकता है, एग प्रोडक्शन करवा सकता है, जो भी है वो आप इसमें देख सकते हो। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हो एग्रीकल्चर वर्क के साथ, या फिर कैटल फार्मिंग आप कर सकते हो, कई जगह पे एपिकल्चर बी कीपिंग भी देखा जाता है, जो हनी बीज होती हैं उनको भी पालते हैं इन एग्रीकल्चर के साथ साथ।
जहाँ पानी खड़ा होता है, कुछ क्रॉप्स को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उस एरिया में पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है, तो वहाँ पे आप फिश कल्चर कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट कल्चर जो होते हैं एनिमल्स रियरिंग में आते हैं, इनको आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ जब इंक्लूड कर देते हो तो यही कहलाते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब इतना सारा इसका यूज है, एडवांटेज हम देख लेते हैं, अब क्या फायदा है। सबसे पहली बात, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका हम ओवर एक्सप्लोटेशन नहीं कर रहे, हम उसको यूज कर पा रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जैसे इंटरक्रॉपिंग है या क्रॉप रोटेशन है, तो यहाँ पर हम ऐसी क्रॉप का यूज करेंगे जो सेल्फ रिप्लेनिश कर सकती हो सॉइल को, जिसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, एक क्रॉप दूसरे को यूं कहेंगे हेल्प करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में एक बार में जो न्यूट्रिशन वापस रिप्लेनिश हो रहे हैं सॉइल में, वो दूसरी प्लांट उसको यूज कर सकता है। तो इस तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी सस्टेन रखेंगे, उनको हार्म नहीं होने देंगे और अपना प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवाएंगे। तो इससे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, हमारी इनकम ज़्यादा होगी, लिमिटेड रिसोर्स में ही हम मैक्सिमम प्रोडक्शन अपना करवा सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल साइकल्स को कंट्रोल करवा सकते हैं इंटीग्रेशन करवा के इनका। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है एटमॉस्फेयर में, कैसे हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फिक्स करा सकते हैं, तो हम बायोलॉजिकल साइकिल को एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेट करवा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ही आ जाता है। फिर हम सॉइल की फर्टिलिटी रिन्यू करवा सकते हैं, रिप्लेनिश करवा सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लेग्यूम्स प्लांट को यूज करके, या पल्सेस वगैरह को यूज करके, राइस वेली क्रॉप को यूज करके, इनकी डिफरेंट एसोसिएटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं या मिनरल्स को ही फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल पे यूज कर पा रहे हैं, पर उसका हार्म नहीं कर रहे, उसको बेटर वे में यूज कर रहे हैं, तो इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को कम से कम यूज कर रहे हैं, उनका जो यूज है वो रिड्यूस हो रहा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। अब भाई सॉइल अपने आप रिप्लेनिश हो रहा है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो हमें यहाँ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स या मैन्योर की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें इस तरह की क्रॉप्स अगर हम लगाए जिसकी स्मेल से जो पेस्ट है वो भाग जाते हैं, तो फिर हमें कोई केमिकल्स की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस यूज करके हम नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज को भी रिड्यूस कर रहे हैं, उनका यूज रिड्यूस कर रहे हैं। फिर हम अपने इनकम को इंक्रीज करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल रियरिंग है, तो एक साथ तो हम दो दो काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, एग्रीकल्चर से तो पैसा आएगा ही आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, साथ ही साथ जो एनिमल रियरिंग है उससे भी पैसा आएगा। अब एनिमल का जो वेस्ट होगा वो हम एज ए मैन्योर एग्रीकल्चर में यूज कर लेंगे, और एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ काम होगा वो एज ए फीड इनके काम आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो हमारे लिए इनकम डबल हो जाएगी और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपर वे में मैनेजमेंट होकर उनका और वो यूज अप हो जाएंगे। तो ये कहलाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप, किस तरह की क्रॉप्स होती हैं, और फिर हम डिफरेंट इम्प्रूवमेंट मेथड्स देखेंगे।